करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डीट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में कोण के बारे में कि कोण क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और एक बात बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप इसे अभी अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके 10th क्लास तक आपकी हेल्प करेगा, इनफैक्ट आगे भी। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक? क्यों? क्योंकि ये एंगल्स आपके 10th तक कंपलसरी हैं, किसी ना किसी तरह से ये आपके आते ही रहेंगे। तो अगर आपकी बेसिक अच्छी होगी, नींव अच्छी होगी, तो ऊपर का फ्लोर अच्छा ही बनेगा, है ना। और दूसरी बात ये भी कि आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सके आसानी से। और मैं डे टू डे वीडियो डालती हूँ, ना पहले ना बाद में, ओके? तो आप लोग ले लेंगे, एवरी मॉर्निंग आपको 10 बजे तक वीडियो मिल जाएगी, ओके? चलिए तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दो कोणों के माध्यम की आकृति कोण कहलाती है, ठीक है? दो किरणों, अब किरण किसे कहते हैं, चलिए इसको पहले जान लेते हैं। देखिए ये आपका बिंदु होता है, ठीक? ये आपकी सीधी एक रेखा होती है, ठीक है? अब क्या होता है, ये अगर दोनों तरफ से बंद कर दी जाए तो इसे हम कहते हैं खंड, कि ये ना इधर से बढ़ेगी और ना इधर से बढ़ेगी, बस ये इतनी ही रहेगी, इसको आप लंबा नहीं कर सकते, ठीक? लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें कि एक तरफ से बंद कर दें और दूसरी तरफ ऐसे एरो लगा दें कि ये इधर से नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ इधर से आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं किरण, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, दो किरणों के माध्यम की आकृति कोण कहलाती है। देखिए एक किरण ये है, एक किरण ये, तो दो किरण हो गए। एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं यानी कि किरण या रेखाखंड जो भी है एक दूसरे से मिलती हैं। तो देखिए दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं, ठीक है? कोण को इस तरह से, ये एक तरह से इसका सिंबल है, द्वारा दर्शाया जाता है। चित्र में कोण जो लिखा है ऐसे एंगल ए ओ बी और बी ओ ए एक ही बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपका बनता है एंगल, ठीक है? इसको हम कहते हैं एंगल। अब अगर मैं ऐसे सिंबल बनाऊं तो ये हो जाएगा एंगल ओ। अब जैसे मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, अब मुझे इसे लिखना होगा तो क्या मैं खाली ए बी सी लिखूंगी? नहीं, इसके आगे मैं ऐसे सिंबल बनाऊंगी कि ये आपका ए बी सी है, और इस सिंबल को हम क्या कहेंगे कि ये सिंबल है ट्राइंगल का। यानी अगर आपको ये सिंबल कहीं बना दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ ट्राइंगल है, ठीक? इसी तरह से अगर आपको ये सिंबल कहीं बना दिखता है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ क्या है आपकी, वो है आपकी एंगल, ठीक? अब यह एंगल है आपका ओ, तो इसको आप तीन तरह से लिख सकते हैं, सिंपल एंगल ओ भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं और ए ओ भी लिख सकते हैं, ठीक? तीनों में पूछा ओ ही जाएगा, यानी अगर ऐसे सिंपल लिखा हो तो आपको पता है यही पूछा जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे तीनों डिजिट लिखे हों, तीनों अल्फ़ाबेट्स लिखे हों, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा बीच वाला एंगल ही पूछा जाता है। जब इस तरह से लिखते हैं ना तो पूछा हमेशा बीच का ही एंगल जाता है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि आपसे बात बीच के एंगल की हो रही है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के कोण, यानी कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मेनली आपके कोण चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार। तो चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। माप के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं, यानी माप के आधार पर जब हम इनकी मेजरमेंट करते हैं यानी इनकी डिग्री नापते हैं, उसके अकॉर्डिंग चार तरह के कोण होते हैं। कौन कौन से होते हैं पढ़ लेते हैं। पहला है न्यूनतम कोण, ठीक है? न्यूनतम कोण उसे कहा जाता है, न्यून कोण उसे कहा जाता है जो 90 डिग्री से कम हो, यानी आपका 0 से लेके 89 डिग्री तक का हो सकता है, कुछ भी इसके बीच का, ठीक है? 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 89 से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण। ये आपको उसका उदाहरण दिया गया है, ठीक? अगला आपका क्या होता है? सम कोण। ऐसे कोण जो एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं, ना 90 से ज़्यादा होंगे ना 90 से कम होंगे, ये आपका इसका उदाहरण है, इसको हम कहते हैं सम कोण, ठीक है? अगला आपका लिखा है अधिक कोण। अधिक कोण ऐसे कोणों को कहा जाता है जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होंगे लेकिन 180 से कम होंगे, ठीक है? यानी ये 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक हो सकते हैं, किसी इसके बीच के कोई भी नंबर के, ठीक है? लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं होंगे और 90 से कम नहीं होंगे, ठीक? उसके बाद लिखा है त्रिजुकोण। अब त्रिजुकोण किसे कहा जाता है जो एग्जैक्टली 180 का होता है, ना 180 से ज़्यादा और ना 180 से कम, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिजुकोण। तो इस तरह से आपको पता चला कि आपके मेनली 4 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं।
अब देखिए यहाँ आपका, अब जांचते हैं कि हमने कितना पढ़ा और कितना हमें याद रहा। तो देखिए लिखा है निम्नलिखित के मिलान करें, तो चलिए मिलान करते हैं। यहाँ लिखा है आपका कि कोण के माप के, कोण का माप क्या है और कोण के प्रकार। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि 180 का जो होता है एग्जैक्टली ना कम ना ज़्यादा उसको हम बोलते हैं त्रिजुकोण, और जो 90 का होता है ना कम ना ज़्यादा उसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, इसके बाद आपका बोलते हैं कि वो कोण, अब जैसे 135 है, ये 135 किससे है आपका 90 से अधिक है ना, और 180 से कम है तो हम इसे बोलेंगे अधिक कोण। लेकिन अगर हम 60 की बात करें तो ये 90 से कम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। तो इस तरह से आप आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है, कुछ कोणों के माप नीचे दिए गए हैं, इसके बताइए कि कौन सा कोण क्या है। तो देखिए ये आपका है 75 डिग्री का, कितने डिग्री का, 75, यानी 90 से कम। 90 से कम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो आप लिखेंगे आधा ना या में बड़ी यू की मात्रा ना न्यून, ये लिखा आपका। ठीक है, यानी नंबर वन जो है वो आपका न्यून कोण हो जाएगा, आप इस ये लिखेंगे। ठीक, नंबर टू जो है ये आपका 115 है, 115 यानी कि आपके 90 से ज़्यादा या 180 से कम, तो इसे आप बोलेंगे अधिक कोण। आप यहाँ आसानी से लिख लेंगे अधिक कोण। ठीक है, इसका क्या नाम है, अधिक कोण। ऐसे देखिए ये भी आपका अधिक कोण होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो आप इसको भी अधिक कोण के शाम उसमें रखेंगे। उसके बाद ये देखिए ये आपका है 20 डिग्री का जो 90 से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक है, ये देखिए यहाँ आप इसको इस वाले कॉलम में रख सकते हैं आसानी से। इन आपको क्या करना है, ये लिखना है, इसके आगे इसका नाम लिख लेना है। जैसे ये आपका न्यून कोण है तो आप इसके आगे लिख देंगे न्यून कोण। ठीक है, ये आपका इसको लिखेंगे, ये इसके आगे लिख देंगे अधिक कोण। इसी तरह से इसके आगे लिखेंगे आप अधिक कोण, इसके आगे लिखेंगे न्यून कोण। अब ये आपका पाँचवा जो है ये एग्जैक्टली 180 का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिजुकोण। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद देखिए ये फिर आपका 120 का है, तो इसे हम फिर से बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे, अधिक कोण, क्यों, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा का है। उसके बाद ये आपका 80 का है, तो हम इसे फिर से क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये 90 से कम का है। और ये एग्जैक्टली आपका 90 का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम कोण बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सबको लिख सकते हैं। यहाँ स्पेलिंग के सामने मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप वही स्पेलिंग यहाँ लिख लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ, न्यून कोण जो होता है वो 0 से 89 तक का होता है, जो आपका त्रिजुकोण होता है 180 डिग्री का होता है एग्जैक्टली, समकोण 90 डिग्री का होता है एग्जैक्टली ना कम ना ज़्यादा, और अधिक कोण 91 से लेके आपका 179 डिग्री तक का होता है। तो आप इसको याद रखेंगे अच्छे से, ताकि आपको 10th क्लास तक या अगर आप 11th में भी मैथ्स या साइंस लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपके काम आएगी। चले तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।